नमस्कार, जय श्री राधे। सानूज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं चावल दाल के साथ बेसन वाली भिंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप सूखे भी बना सकते हैं और ग्रेवी वाले भी बना सकते हैं। आज मैं चावल दाल के साथ बेसन वाली भिंडी सूखी बना के आपको दिखाऊंगी। यहाँ हमने बेसन वाली भिंडी बनाने के लिए आधा केजी भिंडी लिए हैं, एकदम इसे अच्छे से धो लिए हैं। उसमें मसाला बनाने के लिए हमने 2 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर का यूज किया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, बारीक कटे हुए यहाँ पे अदरक और मिर्ची है, यहाँ पे थोड़े से धनिया पत्ते हैं और 2 बारीक कटे हुए चॉप किए हुए हमारे प्याज है। यहाँ पे अब हम भिंडी को अच्छे से पहले काट लेंगे। इसे 2 भागों में अच्छे से टुकड़ा करके बीच से ऐसे चीरा लगा देना है। बहुत लोग इसे 2 टुकड़े में कट कर देते हैं, हम कट नहीं करेंगे क्योंकि इससे भिंडी में ज्यादा लसलसापन आ जाता है। अब ऐसे ही हम सारे भिंडी को अच्छे से कट कर लेंगे। यही करना चाहिए कि हमें भिंडी अच्छे से पहले धो के पोंछ के तब यूज करना चाहिए। अगर तुरंत आप भिंडी को धो के यूज करिएगा तो भिंडी हमारे उतने स्वादिष्ट नहीं बनते हैं, उसमें लसलसापन आ जाते हैं पानी के वजह से। पानी हमारा अच्छे से खोल गया है चावल के लिए, अब इसमें हम चावल डाल देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम तेल ऐड करते हैं। सबसे पहले हम थोड़े से भिंडी को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम भिंडी डाल लेते हैं। भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे थोड़े से उसी कढ़ाई में। अब इसमें हम कटे हुए अदरक और हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। प्याज के साथ हरी मिर्च को ऐड नहीं कर रहे हैं, अदरक के साथ ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हम आधा धनिया डाल देंगे, डंकी वाले पार्ट जो मोटे होते हैं अभी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और पत्ते वाले पार्ट हम बाद में डालेंगे, ज्यादा जलाना नहीं है। अब साथ ही इसमें हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को हमको पूरा गलाना नहीं है, इसे आधा कच्चा में ही बनाना है क्योंकि प्याज थोड़े से जूसी जूसी फ्लेवर लाएंगे। अभी ही हम इसमें 2 चम्मच बेसन डाल देंगे अच्छे से फ्राई होने के लिए। अभी फ्लेम को लो कर लेना है। बेसन डालने के बाद अभी हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अभी फ्लेम लो इसीलिए करना है कि हमारी बेसन जले ना। बेसन हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसमें हमने जो सूखे मसाले लिए थे सभी को डाल देते हैं। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, इसे अच्छे से भून लेना है। लो फ्लेम पे सारे मसाले को अच्छे से भूनना है, इसे चलाते हुए रहना है ताकि मसाले अच्छे से भून जाए, लगे नहीं। अगर चलाना छोड़िएगा तो लग जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी पानी हमने ऐड नहीं किया है। मसाला अच्छे से भून गया है, अब इसमें थोड़े से पानी डाल के भूनना है इसे। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है और हल्के हल्के तेल भी छोड़ने लगे हैं। अब हम भिंडी डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें थोड़े से 1-2 चम्मच और पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा बेसन हर जगह अच्छे से मिल जाए, एक जगह इकट्ठा ना हो। इसे अब अच्छे से चला लिए हैं, मसाला देख लीजिए कितने अच्छे से एकदम भून गए हैं। फिर भी हम भिंडी में अच्छे से सारे मसाले मिल जाए इसके लिए हम थोड़ा देर के लिए ढक देते हैं, मुश्किल से 20 सेकेंड के लिए। और भी इसी के बीच में ज्यादा कहीं नहीं लगाना है क्योंकि बेसन इसमें डाले हुए हैं तो ये लगते हैं। भिंडी हमारी पूरे अच्छे से बन चुकी है और ये मसाला भी पूरे कढ़ाई को अच्छे से छोड़ दिया है। ये हमारी बेसन वाली मसालेदार भिंडी बनके तैयार है।
आप चाहे तो इसमें गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट ये ऐसे ही हम लोग को अच्छी लगती है इसीलिए इसमें हम कुछ नहीं ऐड करेंगे। अब इसको हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कितना अच्छा बना है। वाकई मसाला भिंडी तो बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है, और इसमें जो प्याज जो आधे कच्चे ढके थे उसके भी एकदम जूसी जूसी टेक्सचर हैं, और मसाले के भी और सारे फ्लेवर अच्छे से आ रहे हैं, हरे मिर्च के भी फ्लेवर अच्छे से आ रहे हैं, अदरक के भी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए नई वीडियो इसी तरह ले